हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में ना हम चलने वाले हैं, और यहाँ पे हेमा मालिनी जी को कौन नहीं जानता। सीता गीता जैसी मूवी, बहुत तरह तरह की मूवी इन्होंने की हैं, और पुराने मतलब बॉलीवुड मूवियों में नंबर वन में चलने वाली एक्ट्रेस थी। और आइए इनका घर देखा जाए, इनका रहन सहन देखा जाए कि अब किस तरह से मुंबई में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, इनका लोकेशन क्या है, उनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। और मुंबई में इनकी कार कलेक्शन क्या है, नेटवर्क क्या है, बहुत सारी बातें जान लेते हैं। तो चलिए देखा जाता है हेमा मालिनी जी मुंबई में कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, किस कार से चलती हैं, बहुत सारी बातें हम लोग जान लेते हैं। और वीडियो अच्छी लग जाए तो सपोर्ट करेगा वीडियो को, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि रोजाना आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आया करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के आए इस वीडियो में आगे बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। आप दोस्तों जो घर देख पा रहे हैं ना, यही घर हेमा मालिनी जी का है। इसी घर में हेमा मालिनी जी रहती हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ। आए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस घर के बहुत सारी जो बातें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और हेमा मालिनी जी के भी बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। जैसे आप लोगों को पता है, हेमा मालिनी जी पुरानी मूवियों में सुपर डुपर मूवी दी हैं, और काफ़ी अच्छा मूवी उनकी चली है, बहुत शानदार मूवी थी। और आपको बता दें दोस्तों, हेमा मालिनी जी अपने दोनों बेटियों के साथ इसी में रहती हैं। और आपको बता दें, यहीं से थोड़ी ही दूर पर ना धर्मेंद्र पाजी का घर है, जहाँ पे सनी देओल, बबी देओल जी रहते हैं, और हेमा मालिनी जी थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे रहती हैं, और दोनों बेटियों के साथ वह रहती हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे पता होगा कि शायद जो सनी देओल, बबी देओल जी हैं, वो हेमा मालिनी के लड़के हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, वह लोग जैसे धर्मेंद्र सर दो शादियाँ की हैं, तो लोग पहली पत्नी का लड़के हैं, और यहाँ पे हेमा मालिनी जी की दो बेटियाँ हैं। ठीक है, आई इनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। और ये भी बात आपको बता दें कि धर्मेंद्र सर जैसे अपनी पहली पत्नी की इजाज़त के बाद ही दूसरी पत्नी से शादी की है, मतलब दोनों पत्नियों के साथ रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो आई इनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। घर देख सकते कितना शानदार लुक में दिखता है, और यहाँ पर ग्रीनरी वगैरह से कितना अच्छा सजोया गया, कितना अच्छा सजाया गया है, और गेट वगैरह का क्या खास नज़ारा, सिक्योरिटी बहुत टाइट है दोस्तों। वीडियो बनाने नहीं दे रही, बट यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, देख सकते हैं यही बिल्डिंग है जो आप देख पा रहे हैं। और ये बता दें दोस्तों कि यहाँ पर यह जुहू एरिया में पड़ता है, और देख सकते हैं जो ग्रीनरी है अंदर, हरियाली वगैरह कितनी खास नज़ारे में है, और बालकनी वगैरह को कितने अच्छे से सजाया गया है, और शुद्ध वातावरण है, क्योंकि ठीक अरब सागर के सामने, यानी जुहू बीच का एरिया, यानी बिल्कुल बॉस इलाका है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर सारा बिल्डिंग का नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर घर का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। आइए इनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, हेमा मालिनी जी के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। और आप इनकी कौन सी इनकी फेवरेट मूवी है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। यदि आप इनकी मूवी जो बार बार रिपीट करके देखते हैं, जरूर बताइएगा। देखिए, इनका दोस्तों वास्तविक नाम है ना हेमा मालिनी चक्रवर्ती, और इनका उपनाम है ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल के नाम से भी इनको लोग जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की है, यानी राजनीतिक में है। और आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनका व्यक्तिगत जीवन, 16 अक्टूबर 1948 इनकी जन्मतिथि है, जन्मस्थान इनका जीपुरम, तिरुचिरल्लपल्ली जिला मद्रास, प्रेसिडेंसी भारत। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनका गृह, इनका जो यहाँ पर गृहनगर है वो तमिलनाडु है, और यहाँ पर तिरुचिरपल्ली जिला है, और स्कूल इनका है आंध्र महिला सभा दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियरी सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली। और आपको बता दें शैक्षिक योग्यता इनका 12वीं है, जो ड्राफ्ट आउट कर चुकी है, बीच में पढ़ाई को छोड़ दी थी। और आपको बता दें इनका फिल्म पहला है ना, फिल्म तमिल में इन्होंने किया था, बस एक मिनट का हो जाता है, सपनों का सौदागर यहाँ पर की हैं, और तमिल फिल्म है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ठीक है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे आपको बता दें दोस्तों इन्होंने काम किया है। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर टीवी सीरियल सन 2000 में जय माता की में इन्होंने काम किए हैं, और राजनीतिक इन्होंने फरवरी 2004 में जब वो भाजपा में शामिल हुई थी, राजनीतिक पार्टी वहाँ से ज्वाइन की हैं। आपको बता दें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्म मेयर नामांकन, और 1972 में उन्हें यह पुरस्कार भी मिला है। तो सन 2000 में फिल्म मेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके पिता V.S.R. चक्रवर्ती हैं, माता जयालक्ष्मी चक्रवर्ती हैं, भाई R.K. चक्रवर्ती हैं। और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके बारे में और सारी बातें आपको बताना चाहूँगा, जैसे इनकी पसंदीदा चीज़ें को बारे में बताना चाहूँगा, जैसे चावल के साथ रसन, ग्रीन टी, दही वगैरह इनका फेवरेट भोजन है। इनका दोस्तों यहाँ पर जो विवाह हुआ है धर्मेंद्र सर से हुआ है, और आपको बता दें 2 मई 1980 को इनकी शादी हुई। इनकी बेटी हैं ईशा देओल, अहाना देओल, और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर विजेता देओल, और अजीता देओल, और सनी देओल, और यहाँ पर बाबी देओल, आपको मैंने बताया ही। ये लोग यहाँ पर इनके जो और भी जो लड़के हैं, ठीक है, पद में। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे संपत्ति की बात करें तो 178 करोड़ रुपये भारतीय रुपये में है, 2014 के अनुसार इनकी नेटवर्थ वगैरह। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर
उन्होंने अपने अभिनय करियर के लिए 12वीं की पढ़ाई छोड़ दी थी, जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन लोगों ने अपने मतलब मूवी में काम करने के लिए अभिनय करने के लिए छोड़ा था। 1961 में उन्होंने एक तमिल फिल्म में नर्तकी के रूप में अपना करियर शुरू की थी और 1968 में उन्होंने पहली बॉलीवुड फिल्म सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वो 1976 से 1980 तक सबसे अधिक पारितोषित लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। 1977 में अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल्स में अभिनय करने के कारण उनका उपनाम ड्रीम गर्ल ही पड़ गया। और अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों शोले के शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र सर हेमा मालिनी से प्यार करने लग गए और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शोले की शूटिंग सेट पर काम कर रहे लड़कों को लाइट बंद करने के लिए रिश्वत दी ताकि वह हमें हेमा जी के साथ और समय बिता सकें। और आपको बता दें दोस्तों उन्होंने एक ट्रेंडस्टर माने जाते हैं और उनकी उन्हें चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने दोस्तों मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल किए हैं। उन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आसना है को निर्देशित किया, हालांकि इस फिल्म को दीवाना के बाद प्रकाशित किया गया। दोस्तों उनका घर मैंने दिखाने का प्रयास किया, कैसा घर लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। दोस्तों बाय बाय।